बच्चों, आपको मैंने म्याऊं म्याऊं कविता की एक वीडियो भेजी थी। आपने वीडियो देखी होगी और वीडियो देखकर आपको बहुत मज़ा भी आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। आज मैं आपको इसी कविता का, म्याऊं म्याऊं कविता का अर्थ समझाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर, रोई एका एक बिलक कर रोई। तो बच्चों, इसका अर्थ है कि मैं रात को सो रही थी और अचानक से मैं उठकर रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया चूटी, चुहिया काट गई चूटी भर। तो बच्चों, इसका अर्थ है कि जब मैं रोई तो मुझे पता लगा कि मेरी नाक में तो एक चुहिया ने चूटी काट ली और मुझे बहुत दर्द हुआ। अगर चुहिया चूटी काटेगी तो बच्चों दर्द होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो चलो आगे पढ़ते हैं। सचमुच बहुत डरी चुहिया से, चुहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। तो बच्चों, क्या हुआ आगे कि सचमुच जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि मेरे सामने तो चुहिया है और चुहिया को देखकर मैं बहुत डर गई। आप भी डरते हो बच्चों चुहिया को देखकर, जैसे कि ये बच्ची डर गई और उसको देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहिया को भी, चुहिया को भी जरा डराना। तो बच्चों, आगे हम बताते हैं आपको। तब मैंने सोचा यदि मैं चुहिया से डर गई तो मुझे और डर लगेगा। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हमें और ज़्यादा डर लगने लगता है। मुझे कुछ करना चाहिए, तब उसने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसने सोचा कि मैं चूहिया को डराऊंगी। तो बच्चों, आज आपने म्याऊं म्याऊं कविता का अर्थ समझा। अब आप इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ में चित्र भी बनाएंगे जो आपकी किताब में दिया गया है। वैसे तो मैं इस कविता को आपको भेज रही हूँ, उसी को देखकर आप कविता लिखिए और चित्र भी बनाइए। धन्यवाद।